नाउ हमने थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर में यूआई के बारे में देखा था, देन हमने थोड़ा सा माया का व्यू पॉइंट्स के बारे में पढ़ा. नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग विथ माया. तो माया में अब काम करने के लिए मैंने पहले से कहा था कि जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास इन्वॉल्व होता है यूजली वो मॉडलिंग का कहलाता है. मॉडलिंग से मतलब ये कि हम कोई चीज़ बनाएं, उसको मैनिपुलेट करें, चेंज करें, मॉडिफाई करें, उसको एक मखसूस शक्ल दें और फिर उसके ऊपर हम कलर और टेक्सचर्स दें, एनिमेशन, लाइटिंग वगैरह के प्रिंसिपल फिर उस हिसाब से कंटिन्यू होता है. तो अब इस फेज में बेसिकली हमें जो करना है वो मॉडलिंग को थोड़ा समझना है और अगले के 3 से 4 लेक्चर्स होंगे वो बेसिकली हम मॉडलिंग के ऊपर थोड़ा सा बात ज़्यादा करते रहेंगे. नाउ मॉडलिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट मेन्यू में. क्रिएट मेन्यू होस्ट्स ऑल द टूल्स और ऑप्शंस और ऑब्जेक्ट्स जो कि हम बनाते हैं, जहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं. ठीक है, इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं, जैसे नर्व प्रिमिटिव से रिलेटेड आप जो काम करना चाह रहे हो, पॉलीगॉन, वॉल्यूम्स, लॉइड्स, कैमराज, टूल्स, टाइप्स वगैरह वगैरह सब चीज़ें जो हैं आते रहेंगे. अगर हम इनके बारे में जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है वो हम आगे जैसे मैंने कहा आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते रहेंगे और उनका इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर बातें क्लियर होती जाएंगी. सब एक साथ अगर हमने मैंने अभी शुरू में बता दिया तो फिर कोई चीज़ बात क्लियर नहीं बैठेगी. सो वी स्टार्ट विथ पॉलीगॉन. पॉलीगॉन बेसिकली वन ऑफ द बेसिक प्रिमिटिव बेसिक ज्योमेट्री टाइप है जो कि नॉट ओनली इन माया बल्कि आपको हर दूसरी सॉफ्टवेयर के अंदर मिलेगी. अगर आप 3D Max पे काम कर रहे हो, लाइटवेव पे, ब्लेंडर पे, एवरी अदर एप्लीकेशन बेसिकली यूजेस पॉलीगॉन्स और बेसिक ग्राफिक्स की ज्योमेट्री टाइप है वो हमारे पास पॉलीगॉन है. ओके, पॉलीगॉन से मतलब ये कि एनी ज्योमेट्री दैट हैज मल्टीपल साइड्स. हमें पता है ट्राइंगल 3 साइड्स हैं, स्क्वायर 4 साइड्स हैं, रेक्टेंगल 4 साइड्स हैं, पर पॉलीगॉन बेसिकली मीन्स अ ज्योमेट्री और ऑब्जेक्ट दैट हैज मल्टीपल साइड्स. वो मिनिमम 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 करोड़ भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हो. इसीलिए उनको पॉलीगॉन एक जनरल नेम दिया जाता है. और इस पॉलीगॉन के अंदर बेसिकली हमारे पास स्फीयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, टोरस, प्लेन, ये 5-6 बेसिक ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. फिर नया वर्जन्स के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, जैसे डिस्क हैं, प्लैटोनिक सॉलिड्स हैं, पिरामिड्स, प्रिज्म वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस हम ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बनाते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विथ स्फीयर, क्लिक एंड ड्रैग ऑन योर व्यूपोर्ट, तो आपके पास स्फीयर क्रिएट हो जाएगा. अगेन गो इनटू क्रिएट पॉलीगॉन्स मेन्यू स्फीयर. ठीक, स्फीयर में जब आप क्लिक सेलेक्ट करोगे वहाँ से टूल, तो नीचे एक हेल्प आ जाएगी ड्रैग ऑन द ग्रिड. ठीक है, ये हेल्प आपको बताता है टूल टिप के तौर पे क्या ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए. तो मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया और हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया. बहुत सिंपल. इसी तरह से अब ये जो स्टेप है ये बेसिकली कहलाते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया या टूल सेलेक्ट किया जिस टूल से ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, अब वो टूल आपको अप्लाई करना है. टूल तो आपने सेलेक्ट किया पर टूल को कहीं पर इस्तेमाल करोगे तो ही ऑब्जेक्ट बनेगा. तो वो इस्तेमाल करने का तरीकाकार ग्रिड के ऊपर इस व्यूपोर्ट में इस सीन के अंदर ये है कि आपने उस पर सीन पे ग्रिड के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना तो ऑब्जेक्ट बनेगा. इसी तर्ज पे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स माया में बनाए जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल जब हम क्यूब में आएंगे तो क्यूब पे गए, क्लिक किया और ड्रैग किया तो एक उसकी बेस बनी. और फिर अब देखो दोबारा बता रहा है कि ड्रैग अप टू सेट, तो फिर क्लिक और ड्रैग किया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बना. तो बेसिकली यहाँ पे आई कैन से कि माय जो क्यूब है ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इसको के थ्रू हम क्यूब बनाते हैं. ठीक है, इस टूल के थ्रू. और वो क्यूब बनाते कैसे हैं, उसका तरीका ये है कि पहले आप ड्रैग द बेस ऑन द ग्रिड, क्लिक एंड ड्रैग करो कि आपको क्यूब कितना बड़ा चाहिए, उसकी बेस कितनी चाहिए, छोटा सा स्क्वायर चाहिए, लंबा पिलर हो या किस हिसाब से, या बड़ा बेस चाहिए या वॉल चाहिए तो पतला हो, डिपेंडिंग ऑन जो भी हम काम करना चाह रहे हैं. सो हमने इसका बेस बनाया, क्लिक एंड ड्रैग किया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया. इसी तर्ज पे क्रिएट पॉलीगॉन, वी हैव अ सिलेंडर. इफ आई क्लिक ऑन अ सिलेंडर, सिलेंडर का बेसिकली ये कि क्लिक एंड ड्रैग ऑन द बेस एंड देन क्लिक एंड ड्रैग फॉर द हाइट. तकरीबन सेम तरीका, लेकिन ये वो टूल है जिसके तहत आप एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. और क्रिएट करने का तरीकाकार भी वही है कि बेस ग्रिड के इर्द गिर्द बेसिकली आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, उससे उसका बेस बनेगा, माउस का बटन छोड़ा, फिर क्लिक एंड ड्रैग करके आपने जो है बेसिकली उसकी हाइट जनरेट कर दी तो आपके पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आप उसको किस तरह से बनाना चाह रहे हो. इसी तर्ज पे फिर हम आ जाते हैं क्रिएट पॉलीगॉन और फिर टोरस या कोन फॉर एग्जांपल. तो कोन बेसिकली इज अ कोन लाइक शेप, तो इसका भी वही है, ड्रैग द बेस ऑन द ग्रिड. तो पहले बेस अब बनाओ कि आपको कितना बड़ा कोन चाहिए, क्लिक एंड ड्रैग करो तो आपकी हाइट बन जाएगी. तो ये वो टूल्स हैं जिसके तहत हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको बनाने का तरीकाकार ये है कि यू बेसिकली क्लिक एंड ड्रैग दैट ऑब्जेक्ट ऑन टू अ ग्रिड और वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ये वो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके तहत हम फिर माया में आगे मॉडलिंग को स्टार्ट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट द टोरस इन द लेयर्स. क्लिक एंड ड्रैग किया तो एक बेसिक रिंग बनी, देन अगेन क्लिक एंड ड्रैग टू गिव अ थिकनेस टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट.
ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। ये वो बेसिक पॉलीगोनल प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं जिनके तहत हम माया में काम करते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को लेके फिर हम मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इनको एडिट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दिस स्क्वायर, इस एक स्क्वायर को हम बना दिया, स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर को हम मॉडिफाई करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, देर आर वेरियस डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और इस स्क्वायर को मैं कार के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस स्क्वायर को हम एक बिल्डिंग के अंदर बना सकते हैं, इस स्क्वायर के अंदर इसी एक स्क्वायर को हम मॉडिफाई चेंज करके हम ह्यूमन कैरेक्टर एक एनिमल के अंदर, एलियन के अंदर, चेयर के अंदर, टेबल के अंदर, स्त्री के अंदर, लैपटॉप, मोबाइल, एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, यू कैन यूज दिस स्क्वायर एंड यू कैन मॉडल दैट थिंग आउट। ठीक है, सो बेसिकली दैट बिकम्स मॉडलिंग प्रोसेस। मॉडलिंग में अब हमने आगे जो प्रोसेस में यही सीखना है कि यार इस एक ऑब्जेक्ट को सिंपल को लेके हम किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर दे इसी एक स्क्वायर को। फिर आप जरूरत पड़ी तो मैं स्फेयर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन दीज बेसिक ऑब्जेक्ट्स। तो हम इन बेसिक 5-6 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं को मॉडिफाई चेंज मैनिपुलेट करते करते हम मोल्ड करते करते स्कल्प्ट करते करते किसी भी जो भी चीज़ आप सोच सकते हो आप उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हो। उसका पहला स्टेप आता है क्रिएट मेन्यू के अंदर से ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक, बनाएंगे तो हम उसको एडिट कर पाएंगे। इसी तर्ज पे नर्व्स, ये एक मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्री है, इसका एक थोड़ा सा जो फर्क है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि नर्व्स पॉलीगॉन्स में बेसिकली क्या डिफरेंस आता है। लेकिन इसके भी क्रिएट करने का जो तरीकेकार है वो यही है कि स्फीयर के लिए यहाँ पे आए, क्लिक एंड सॉरी क्रिएट स्फीयर, स्फीयर पे क्लिक किया तो हमारे पास स्फीयर बनेगा। इसी तरह से हम बाकी ऑब्जेक्ट्स भी इसकी बना सकते हैं। पॉलीगॉन्स हमारे पास इस तरह से बनते हैं। पॉलीगॉन्स में एक चीज बनी है बेसिकली इंटरेक्टिव क्रिएशन। इसी के वजह से अगर मैं इसको हटा दूं तो अब बेसिकली व्हाट विल हैपन कि फर्स्ट सेलेक्ट ऑल दीज एंड प्रेस डिलीट, क्रिएट पॉलीगॉन मेन्यू में ये जो आखिरी के दो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने स्फीयर पे क्लिक किया, स्फीयर बन गया। ठीक, मैं पॉलीगॉन में गया वापस, पॉलीगॉन प्रिमिटिव, क्यूब पे क्लिक किया, क्यूब बन गया। हमें अभी वो टूल नहीं आया जैसे पहले आया ना, क्लिक करके ड्रैग करके बना रहे थे, अब वो नहीं आया। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमने इस मेन्यू में जाके पॉलीगॉन में जाके इंटरेक्टिव क्रिएटिव हटा दिए। अक्सर लोगों के अंदर शायद ये डिफॉल्ट हट जाता है, गलती से हट जाता है और फिर वो प्रॉब्लम जनरेट होती है कि सर हुआ क्या। एक्चुअली माया में इन्होंने फीचर दिया है कि आप इंटरेक्टिवली बनाओ या ऑटो बन जाए, जैसे टूल पर क्लिक करोगे वो चीज़ वहाँ बन जाएगी। तो पुराने वर्जन एक्चुअली जब माया 5-6 तक था तो ये इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी की कहानी नहीं थी। तो पुराने शुरू के दौर में इसी तरह से बनता था कि टूल था, आपने क्लिक करके क्लिक किया, वो टूल आपके एक्सिस के ऊपर बन गया, फिर आपने उसको सेलेक्ट किया और फिर हम अब उसको पोजीशंस को चेंज करके अपने हिसाब से करते थे। जैसे मैंने स्फीयर हटाया तो मुझे क्यूब भी नजर आ गया। अक्सर दफा ये चीज़ बाय डिफॉल्ट भी हो जाती है। कुछ लोग अभी भी पुराने, अगर आप ट्यूटोरियल्स देखोगे तो उसमें इसी तरह से मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके हम बनाएंगे और वो एक्सिस के 0-0 पे बन जाएंगे। तो वो वजह ये कि हमने इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी हटाई हुई है। इफ आई गो इनटू नर्व्स यू कैन सी दिस केस में ये बाय डिफॉल्ट हटी हुई होती है। ये दूसरी चीज, नर्व्स के अंदर ये चीज़ बाय डिफॉल्ट अनचेक होती है, पॉलीगॉन के अंदर ये डिफॉल्ट चेक होता है, जिसकी वजह से जब मैं पॉलीगॉन बनाता हूँ तो पॉलीगॉन बनाने के लिए मुझे एक हेल्प आ जाती है और मैं इंटरेक्टिवली खुद से बना रहा हूँ। लेकिन अगर मैं क्रिएट में नर्व्स में गया और मैंने स्फीयर पे क्लिक किया तो उसमें इंटरेक्टिव बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, जिसकी वजह से क्लिक करने से वो 0-0 पे ओरिजिन पे खुद ब खुद क्रिएट होकर एक डिफॉल्ट साइज के हिसाब से हमें मिल जाता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि सर नर्व्स नहीं बन रहा या नर्व्स हमसे सही नहीं बन रहा। मेक श्योर यू टर्न दिस थिंग ऑन फॉर नर्व्स एज वेल, अगर नहीं तो आपको नहीं बनेगा। इसी तरह से पॉलीगॉन में आ गया, पॉलीगॉन के अंदर भी ये चीज क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑन है तो उस वजह से हमारे पास ये ऑप्शन आया था। दूसरा एग्जिट ऑन कंप्लीशन। एग्जिट ऑन कंप्लीशन का मतलब ये है कि अगर मैंने इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी ऑन रखी हुई है और मैं कोन के अंदर आता हूं तो एक दफा मैंने कोन बनाया और टूल कंप्लीट हो गया, खाला फर्स्ट टाइम एक ही दफा अप्लाई करोगे जान छुट्टी खलास। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक ही तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ, उनके ऊपर सीक्वेंशली काम कर रहा हूँ, तो मैं पॉलीगॉन में आ जाऊंगा, इंटरेक्टिव क्रिएटिव से एग्जिट ऑन कंप्लीशन हटा दूंगा। इससे अब ये होगा कि इफ आई गो बैक एंड टू क्रिएट पॉलीगॉन और मैंने वापस सिलेंडर उठाया तो एक दफा तो सिलेंडर मैंने बना दिया लेकिन सीधे से आपका कर्सर अभी भी चेंज नहीं हुआ। नाउ दिस इज बेसिकली इन अ क्रिएशन मोड। और जब तक कि आप मैन्युअली इसको एग्जिट नहीं करते कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करते हुए या एस्केप दबा के या कुछ और की प्रेस करके, तब तक बेसिकली आप सिलेंडर 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 बनाते रहोगे। तो समटाइम्स अगर आपको एक जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या रैंडमली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने तो दिस बिकम्स अ वेरी नाइस थिंग कि आपने क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए और मैंने एग्जिट और कंप्लीशन हटा दिया। इसका ये मतलब होगा कि आपका टूल कंटिन्यू है जब तक आप मैन्युअली हाथ में एग्जिट नहीं करते। ठीक है, अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है तो बस एक ही दफा टूल अप्लाई हुआ, चीज़ बनी और टूल एग्जिट हो गया खुद ब खुद। तो डिपेंडिंग ऑन हम क्या चीज़ कर रहे हैं, लेकिन
मेरे हिसाब से मैं यूजुअली इन दोनों को अनलॉक लेता हूँ, एक ही दफ़ा चीज़ बनाई, काम किया, फिर ज़रूरत पड़ी तो मैं डुप्लीकेट करता जाता हूँ या बनाते जाते हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है कि यस पॉलीगॉन के लिए बाय डिफॉल्ट ये चीज़ अनचेक होती है, चेक्ड होती है पॉलीगॉन्स में, नर्व्स के अंदर ये चीज़ अनचेक्ड होती है। ठीक है, तो नर्व्स जब आप क्रिएट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0-0 पे बन के खत्म हो जाते हैं। ये डिफरेंस इसीलिए समझाना जरूरी है क्योंकि जब आप लाइट्स में जाओगे तो सीधे लाइट्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लाइट्स हमेशा जब आप क्लिक करोगे एक सेकेंड पर लाइट 0-0 पे डिफॉल्ट में बन जाएगी, खलास। इसी तरह से कैमरा के अंदर भी इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी वाला कोई कहानी नहीं है, जब हम कैमरा पे क्लिक करेंगे तो कैमरा भी एक्सिस पे 0-0 बन के आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर आपको वहां पर आके सेलेक्ट करके अपनी जगह पे इसको पोजिशन करना होगा। इसी तरह से टेक्स्ट भी बाय डिफॉल्ट 0-0 पे बन जाता है, आपको इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी नहीं मिलती कि आप अपनी मर्जी से साइज लोकेशन जगह बताओ क्या चीज़ हो रही है। जब हम इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी करते हैं तो इसका क्रिएटिविटी तो इसका मतलब ये कि आप क्यूब में जाके अपनी मर्जी से बता सकते हो कि आपको क्यूब इस स्क्रीन के किस एरिया में बनाना है और कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, जब आप इसको ऑफ कर देते हो तो ये चीज़ हमारे पास कहानी खत्म हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आपके एक्सिस के 0-0 पे बन जाता है। सो इफ आई कम हेयर क्रिएट, इवन अगर मैं लाइट्स में आ जाऊँ क्लिक ऑन दैट तो लाइट आपके 0-0 पे बन जाएगी। तो ये फीचर माया में अभी भी अवेलेबल है, बाकी चीज़ों के लिए पॉलीगॉन के लिए उन्होंने इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी और नर्व्स के लिए दी हुई है, बाकी चीज़ों में नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हमें ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, यहीं पे बात खत्म करने से पहले ऑब्वियसली ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद अब इनको मैं तब्दील जरूर कर सकता हूँ कि मैंने कहा यार रेडियस छोटा बन गया मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्ट्स बना मैंने कहा ये गलत बन गया मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, जो रेडियस छोटा कर सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा बन गया मैं इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बनाने के बाद हम बिल्कुल वही चीज़ कर सकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, पोजिशन सब चीज़ें कर सकते हैं, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समटाइम्स एज अ सेट अब नया फीचर है तो आपको इंटरेक्टिविटी हम कर सकते हैं, बनाने के बाद ऑब्वियसली हम चेंज करते हैं। तो अगर आपने इसको ऑफ भी रखा हुआ इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी को, डजंट रियली मैटर, आप क्रिएट किया और फिर उसकी सेटिंग्स में जाकर उसको साइज हाइट विड डेप्थ हम अगले लेक्चर में उसको देखेंगे एंड यू कैन डू दैट। ठीक है, तो दिस इज क्रिएटिविटी, यही चीज शेल्फ में यहाँ पे आ गई। देखो आपको बार बार एक देखना पड़ रहा था, मैं पॉलीगॉन्स में गया मेन्यू में गया, पॉलीगॉन्स में गया मेन्यू में गया, जब हम शेल्फ का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे वो बेसिक चीज़ें सामने आ गई। मुझे सिंपली इस पे क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट बन गया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे पॉलीगॉन पे गया क्लिक किया बन गया। तो शेल्फ का इस्तेमाल इस वजह से हमारे पास क्विकली हो जाता है, सरफेस के अंदर गए तो ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पड़े हैं वेरी क्विकली हमने बना दिए और फिर यहीं पर टूल्स आ जाते हैं। तो शेल्फ के बारे में हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा था, आगे भी हम काम करते रहेंगे, ऑब्वियसली हम अपनी शेल्फ भी बना सकते हैं, वी कैन डू दैट एज वेल। तो आप शेल्फ यूज़ करो, क्रिएट मेन्यू में जाके यूज़ करो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बेसिकली इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट तो उसकी सेटिंग्स हम चैनल बॉक्स में आके कैसे एडिट कर सकते हैं।